नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। अगर आप अमृतसर, डलहौजी, धर्मशाला घूमने का प्लान कर रहे हैं, अपनी जर्नी को एक्साइटिंग, एडवेंचरस और मेमोरेबल बनाना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला कि आप अपनी जर्नी स्वयं प्लान करें, सारे अरेंजमेंट, सारी बुकिंग्स खुद ही करें और फिर यहाँ पर पहुँचें और फिर घूमें। लेकिन इसके लिए आपको इस स्थानों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ऑप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती और मज़ेदार हो सकता है और बिल्कुल कंफर्टेबल जर्नी उसमें आपको हो सकती है, वो है ट्रैवल पैकेज लेने का। और इस ट्रैवल पैकेज का बेनिफिट ये होता है कि आपको कोई भी अरेंजमेंट खुद नहीं करने पड़ते, सारे अरेंजमेंट ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल कंपनी आपके लिए करके देती हैं, जिससे आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होता। आप बिल्कुल आराम से अपनी जर्नी को, अपने ट्रिप को इंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स को देखते हुए हमने भी एक ट्रैवल पैकेज बुक किया है अमृतसर, धर्मशाला, डलहौजी के लिए। और ये ट्रैवल पैकेज हमने बुक किया है प्रिया ट्रैवल्स के साथ, जिनके ओनर अभी हमारे साथ हैं, मैम हैं, सर हैं। और ये जो ट्रैवल पैकेज है, इसका ड्यूरेशन है 5 नाइट और 6 डेज का। ये ट्रैवल पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं अमृतसर, डलहौजी, धर्मशाला। तो 5 नाइट्स और 6 डेज के ट्रिप में जो स्थान हम घूमने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से होंगे कि सबसे पहले तो हम एक्सप्लोर करेंगे अमृतसर में स्थित अटारी वाघा बॉर्डर, जो कि भारत पाकिस्तान की एक बहुत ही फेमस बॉर्डर है। फिर हम चलेंगे जलियांवाला बाग और उसके बाद हम चलेंगे गोल्डन टेम्पल, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अमृतसर के बाद हम चलेंगे डलहौजी के लिए और डलहौजी में सबसे पहला स्थान जो हम एक्सप्लोर करेंगे वो है खजियार, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम चलेंगे पंचपुला वाटरफॉल के लिए, इसके बाद चंबा वैली, फिर जोत पास एंड गदर पॉइंट और फिर काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर डलहौजी के बाद हम चलेंगे धर्मशाला मैक्लॉडगंज की ओर, जहां पर सबसे पहला स्थान जो हम एक्सप्लोर करेंगे वो है भागसुनाग वाटरफॉल, जो कि एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। फिर हम चलेंगे धर्मशाला टी गार्डन्स की ओर, इसके बाद हम चलेंगे नड्डी, जहां से बर्फ़ के पहाड़ों का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। इसके बाद चलेंगे बलगांव, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। फिर चलेंगे मैक्लॉडगंज मार्केट और भी कई सारे स्थान, जैसे कि दलाई लामा मॉनेस्ट्री, स्टेडियम, कांगड़ा फोर्ट, कांगड़ा देवी मंदिर, जैन मंदिर और भी कई सारे स्थान जो कि हमें इस ट्रिप के दौरान देखने चाहिए। तो हमारी ट्रिप की शुरुआत होती है अमृतसर बस स्टैंड से। हम आए हैं कोटा से अमृतसर बाय बस, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। ट्रेन और बस के टिकट पैकेज के अंदर शामिल नहीं होते, लेकिन अगर आप चाहें तो ट्रेन और बस के टिकट भी पैकेज में शामिल करवा सकते हैं, लेकिन इसके अलग से कॉस्ट आपको देना होता है। अमृतसर बस स्टैंड से निकलने के बाद हमारे लिए एक होटल बुक किया गया है, जहां पर हम रिफ़्रेशमेंट हो कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र होता है। हम कोटा से अमृतसर के लिए आए हैं, काफ़ी बड़ा सफ़र है, और अब इस दौरान अब हम फ्रेश होएंगे, रिफ़्रेश हो जाएंगे और फिर यहां से जो हमारी ट्रिप की एक्चुअल शुरुआत होगी। अमृतसर के लिए जो हमें रूम अलॉट किया गया है वो काफ़ी लग्जीरियस है और जिस होटल में हम रुके हैं वो भी काफ़ी अच्छा है। मैं आपको थोड़ा सा अंदर से रूम टूर देना चाहूँगा कि ट्रैवल पैकेज में आपको किस तरह का रूम मिलता है। बहुत ही अच्छा रूम है, जैसे कि आप बेड भी देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और ये एक AC रूम है, एयर कंडीशन रूम है। और आपको मैं थोड़ा सा अंदर आइए, मैं आपको बाथरूम दिखाना चाहूँगा कि किस तरह का नीट एंड क्लीन बाथरूम है इस होटल का। ये देख सकते हैं आप, बहुत सारा बिल्कुल साफ़ सुथरा ये बाथरूम है। और बाथरूम के अंदर भी आप देखेंगे कि ये आपको छोटे छोटे साबुन, शैम्पूस, ये सारी चीज़ें दी गई होती हैं। एयर कंडीशन रूम है और इसी के साथ एक टेलीविज़न, एक टीवी आपको दिया जाता है। और अगर आप रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ टी कॉफ़ी लेना चाहें तो ये टी कॉफ़ी का भी इंतज़ाम किया गया है। नीचे एक मिनी फ्रिज है। काफ़ी अच्छा और लग्जीरियस होटल है जो कि आपके ट्रैवल पैकेज में शामिल होता है। होटल रूम में चेक इन करने के बाद सबसे पहले हमें ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी दी जाती है, क्योंकि आप इतना लंबा सफ़र करके आते हैं तो थोड़ा सा भूख लगना सो वाजिब है। तो काफ़ी सारी डिशेज हैं जो कि आपको ब्रेकफास्ट में मिलती है, जैसे कि छोले भटूरे और खीर, पास्ता, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको ट्रैवल पैकेज के अंदर इंक्लूडेड मिलती हैं, आपको इनके लिए कोई एडिशनल कॉस्ट की ज़रूरत नहीं होती।
तो अब हम ब्रेकफास्ट करके रेडी हो चुके हैं और सबसे पहले जा रहे हैं वाघा बॉर्डर के लिए, जिसका डिस्टेंस अमृतसर रेलवे स्टेशन से लगभग 28 किलोमीटर का है। और अब से ये जो ट्रिप हमारी होने वाली है बाय कार होने वाली है। अभी तो हमारे लिए ये स्विफ्ट डिज़ायर है, क्योंकि हमारे साथ प्रिया ट्रैवल के ओनर्स हैं सर और मैम। अगर आप कम लोग होते हैं तो आपके साथ इस तरह की गाड़ी जाती है, अगर आप ज़्यादा लोग होते हैं तो आपके साथ ट्रैवलर गाड़ी जाती है, जो कि यहाँ पीछे खड़ी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह की गाड़ी होती है ये लगभग 14 सीटर की होती है, एक छोटी मिनी बस हम इसे बोल सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा बड़ा ग्रुप हैं तो इस तरह की गाड़ी आपके साथ जाती है। हम लोग अभी ज़्यादा नहीं हैं तो हम जाएंगे बाय कार, और ये पूरा कंप्लीट ट्रिप हमारा बाय कार ही होने वाला है। तो हमारे टूर पैकेज की हम शुरुआत कर रहे हैं वाघा बॉर्डर के साथ, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग जगह है। ये भारत और पाकिस्तान की एक ऐसी बॉर्डर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पर एक सेरेमनी होती है जिसका नाम है बीटिंग द रिट्रीट, जो कि लगभग 45 मिनट चलती है। हर रोज़ ये सेरेमनी होती है। तो अब हम सेरेमनी के प्लेस पर पहुंच चुके हैं। ये एक तरह से स्टेडियम बनाया गया है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने सारे लोग यहां पर आए हुए हैं। तो हम पहुंच चुके हैं जलियांवाला बाग के अंदर। ये वो ऐतिहासिक स्थान है जहां पर कई सारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बलि दी थी। जलियांवाला बाग का जो ये हत्याकांड हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, यानी कि 1990 में हुआ था। और उस टाइम पर यहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल था और मार्शल लॉ के अनुसार ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा होकर मीटिंग नहीं कर सकते थे। और यहाँ पर जलियांवाला बाग में कई सारे लोग हज़ारों की मात्रा में यहाँ पर मीटिंग कर रहे थे किसी टॉपिक को लेकर। और जैसे ही विदेशी सेना को, ब्रिटिश सेना को इसके बारे में पता लगा, तो जनरल डायर ने बिना कुछ सोचे समझे ये आदेश दे दिया कि ओपन फायर कर दिया जाए, जिसमें कि जलियांवाला बाग में जो मीटिंग पे लोग बैठे थे उसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी शामिल थे, लेकिन उसने किसी को नहीं देखा और अंधाधुंध फायरिंग करा दी, जिससे कई सारे लोग मारे गए। जो ऑफिशियल काउंटिंग है वो तो कम ही बताई जाती है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा लोग मारे गए थे जलियांवाला बाग में। आज तो इस बाग को बहुत सारा रिपेयर कर दिया गया, लेकिन पुराने टाइम पर इतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था। जलियांवाला बाग में स्थित ये वो शहीदी कुआं है, जब जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था फायर का, तो यहाँ पर काफ़ी सारी भगदड़ मच गई थी और कई सारे लोग इस कुएं में गिरकर शहीद हो गए थे। अभी आप मेरे पीछे ये एक बड़ी सी दीवार देख रहे होंगे, ये पुराने टाइम की ही दीवार है। जब यहाँ पर जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था फायर का, तो इस दीवार को पार करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर रास्ते जो हैं बहुत पतले से रास्ते थे इस बाग तक आने के लिए। और इन दीवारों को कूदना, एक आदमी की हाइट से काफ़ी बड़ी दीवारें हैं, तो लोग एक के ऊपर एक चढ़कर भी इस दीवार को कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है, इस वजह से लोग इसको पार नहीं कर पाए और यहीं पर शहीद हो गए। अब जलियांवाला बाग में मैं आपको बुलेट मार्क्स दिखाने वाला हूँ, जो गोलियाँ चलाई गई थी यहाँ पर, अंधाधुंध गोलियाँ चलाई गई थी, उसके निशान आज भी मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ बुलेट मार्क्स। और ये दीवार पर आप देखिए, ये सभी जो हाईलाइटेड निशान आप देख रहे हैं,
ये सभी बॉक्स के अंदर ये सभी गोलियों के निशान हैं उसी ज़माने के जब यहाँ गोलियाँ चली थी। यहाँ पर भी आप ये जो बड़े होल्स देख सकते हैं दो, वो सभी गोलियों के निशान हैं। तो आज हमारा पहला दिन है इस ट्रिप का और अब हम आ चुके हैं गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर, जो कि अभी हमको हमारे जस्ट पीछे ही नज़र आ रहा होगा। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और रात के टाइम जब आप यहाँ आते हैं तो इसका नज़ारा वाकई में देखने लायक है। गोल्डन टेम्पल के बाद अब हम आ चुके हैं अपने होटल में और हमारे लिए डिनर भी रेडी हो चुका है, जो कि काफ़ी डिलीशियस है और हमारे पैकेज में शामिल है। तो आज हमारा ट्रिप का दूसरा दिन, पहले दिन में हमने अमृतसर को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया, काफ़ी सारी प्लेसेस को देखा और आज दूसरे दिन की जो हमारी शुरुआत हो रही है वो ब्रेकफास्ट के साथ हो रही है। काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट है जो कि आपके पैकेज में इंक्लूडेड होता है। तो अब हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हम चल रहे हैं डलहौजी के लिए। अमृतसर से जो डलहौजी का रास्ता है वो लगभग 200 किलोमीटर का है और डलहौजी में हमारा 2 दिन का स्टे होने वाला है। अमृतसर से डलहौजी जाने वाले मार्ग पर अब हम एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां से हिमाचल प्रदेश की शुरुआत होती है। जिस पॉइंट पर अभी मैं खड़ा हूं ये पंजाब है और इसके जस्ट बोर्ड के बाहर जो बोर्ड के बाद वाला जो हिस्सा है वो हिमाचल प्रदेश का स्टार्ट होता है। अमृतसर पंजाब में पड़ता है और डलहौजी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जिसकी ओर अब हम बढ़ते जा रहे हैं और इस पॉइंट से डलहौजी का डिस्टेंस है 31 किलोमीटर्स का। और इस रास्ते को कवर करते हुए हमें बीच में कुछ वाटर स्ट्रीम्स भी नज़र आ रही हैं जिनका नज़ारा काफ़ी मनमोहक है। तो अब हम पहुंच चुके हैं डलहौजी में। अमृतसर से डलहौजी का रास्ता बहुत ही खूबसूरत था और अब डलहौजी में हम 2 दिन का स्टे करने वाले हैं, यानी कि डलहौजी में हम 2 दिन रुकेंगे और जिस होटल में हम रुके हैं उसका मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। और यहाँ से जो नज़ारा अभी आप देख पा रहे हैं, ये जो मेरे पीछे आप माउंटेन्स हैं ये सभी आप हमारे इस होटल से देख पा रहे हैं। आप थोड़ा सा पीछे होंगे तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि ये रेलिंग लगी है, ये रेलिंग है जहाँ से हम इस नज़ारे को देख रहे हैं। एक तरह से बालकनी है जस्ट हमारे रूम के बाहर। तो मैं आपको रूम टूर भी देना चाहूँगा कि डलहौजी में हमारा होटल किस तरह का है। ये देखिए यहाँ पर जो ये रूम है बहुत ही लग्जीरियस है, बहुत ही अच्छा रूम है और एक आप यहाँ पर देखेंगे तो एक टेलीविज़न है, कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए चाय कॉफ़ी के पाउचेस वगैरह आपको नज़र आएंगे। और हमारे इस रूम के बाहर एक और बालकनी बनी हुई है जहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कुछ खूबसूरत नज़ारे। ये देख सकते हैं ये कुछ और होटल रूम्स हैं और सामने पहाड़ का इलाका है जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो अब हम पहुंच चुके हैं डलहौजी के मॉल रोड में, जिसे गांधी मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कई सारी वेराइटीज़ की आपको शॉप्स नज़र आएंगी, जैसे कि अगर आप कुछ पर्स वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो वो, और कुछ ट्रेडिशनल शॉप्स भी हैं जैसे कि यहाँ पे जो ट्रेडिशनल क्लॉथ्स होते हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जो वूलन क्लॉथ्स है वो भी आप ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ठंड है। ये महीना है मई का और मई महीने में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। डलहौजी के मॉल रोड में आपको कई सारी खाने पीने की दुकानें नज़र आएंगी, जिसमें कि अलग अलग चीज़ों का आप यहाँ पर टेस्ट ले सकते हैं। डिफरेंट वेराइटीज़ की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, स्वीट कॉर्न बर्गर, जो मोमोज़ हैं यहाँ के फेमस है तो वो आप ले सकते हैं। तो अब रात हो चुकी है डलहौजी में और मैं आपको नाइट व्यू दिखाना चाहूँगा डलहौजी का कि कितना खूबसूरत लगता है। जब हम थोड़ा सा हिल टॉप पर हैं और नीचे की साइड आप देखेंगे कई सारे मकान बने हुए हैं जिनकी लाइटें जो जल रही हैं, एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में तारे हों। तो आज है हमारा इस ट्रिप का दूसरा दिन और डलहौजी में पहला दिन। डलहौजी पहुंचते पहुंचते हमें लगभग रात ही हो चुकी थी तो हम ज़्यादा स्पॉट्स तो आज कवर नहीं कर पाए, लेकिन अभी डलहौजी में हम एक और दिन स्टे करने वाले हैं जिसमें डलहौजी की बाकी सारी प्लेसेस देखेंगे। लेकिन अब रात हो चुकी है और हो चुका है डिनर का टाइम और डिनर में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि मीठे में सिवैयाँ हैं, इस तरह की गोभी की सब्ज़ी है, पनीर की सब्ज़ी है और इधर दाल मखनी है
साथ में चावल हैं, सलाद है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आप डिनर में ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम ले रहे हैं डिनर के अंदर, ये सभी पैकेज के अंदर शामिल हैं। पैकेज में बेसिकली दो चीज़ें शामिल हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर। और ये सारी चीज़ें हमें 6 दिन और 5 रातों के दौरान मिलने वाली हैं। तो आज है हमारा 3रा दिन इस ट्रिप का और हम हैं डलहौजी में। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं आपको पीछे से नज़ारा दिखाना चाहूँगा जो कि हमारे होटल से दिखता है। आप पीछे देख पाएंगे माउंटेन्स हैं और माउंटेन्स के साथ आपको कुछ कोहरा कोहरा नज़र आ रहा होगा। ये कोहरा नहीं है, ये बादल हैं। हम इतनी ज़्यादा हाइट पर आ चुके हैं कि आपको यहाँ से बादल नज़र आ रहे हैं। अब हम डलहौजी से खजियार के लिए निकले हैं, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। और रास्ते में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे नज़र आ रहे हैं, उन्हें देखने के लिए हम रुके हैं और आपको भी नज़ारे दिखाते हैं। बेहद खूबसूरत नज़ारे हैं, नीचे वाटरफॉल है और चारों तरफ देवदार के वृक्ष हमें घेरे हुए हैं। कुछ ही देर पहले यहाँ बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा तेज़, लेकिन अब मौसम अचानक से खुल गया है और बहुत ही खूबसूरत सा वातावरण नज़र आ रहा है। यहाँ के वाकई में लग रहा है कि हम किसी हेवन में आ चुके हैं। और ऐसे नज़ारों का मज़ा आप तब ले पाएंगे जब आपके साथ अपना कोई टूर पैकेज होगा या कोई ऐसी गाड़ी होगी जो कि आपने पर्सनली बुक करी होगी। क्योंकि अगर आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोई ऐसे व्हीकल से आते हैं तो वो हर जगह नहीं रोकते। आपको अगर ऐसी जगहों के नज़ारे देखना है तो इस तरह से टूर पैकेज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। तो सबसे पहला स्थान जो हम डलहौजी में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है खजियार, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस इलाके की खूबसूरती इतनी अच्छी है कि ये डलहौजी की फेमस टूरिस्ट प्लेस में से आती है। तो सबसे पहले हम खजियार ही देखने वाले हैं। आप मेरे पीछे इलाका भी देख पाएंगे कि यहाँ दूर दूर तक आपको पेड़ नज़र आएंगे और बीच में एक ग्रासलैंड है और बीच में एक छोटी सी झील भी बनी हुई है। यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं बिकॉज एक तो नेचुरल ब्यूटी बहुत खूबसूरत है और पहाड़ के ऊपर आपको बादल भी बहुत आसानी से नज़र आ जाते हैं। खजियार हनीमून कपल्स, फैमिली और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है बिकॉज यहाँ की एक तो नेचुरल ब्यूटी काफ़ी अच्छी है, आप फोटोज़ अच्छे क्लिक करवा सकते हैं। यहाँ पर फोटोग्राफर्स भी आपको मिल जाएंगे रेंटल सर्विस के हिसाब से, 50 रुपये पर फोटो का वो चार्ज लेते हैं अगर आप मोबाइल में उनसे फ़ोटो डलवाते हैं। और अगर प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं उसके साइज़ के हिसाब से उनके चार्जेस होते हैं। पर हनीमून कपल्स के लिए काफ़ी अच्छी है, बच्चों के लिए भी काफ़ी बड़ा सा प्लेग्राउंड मिल जाता है, तो बहुत अच्छी जगह है और फैमिली भी बैठकर यहाँ पर एक तरह से पिकनिक भी मना सकती हैं। खजियार में कुछ इस तरह की एक्टिविटी भी होती है जो कि है जॉर्बिंग बॉल की एक्टिविटी। इसका चार्ज है 500 रुपीज़ 2 जनों का, यानी कि इस बॉल के अंदर 2 जनों को बिठाया जाता है और इस तरह से गुड़काया जाता है, इसको रोल आउट किया जाता है, जिससे कि एक एडवेंचर स्पोर्ट है जो भी आप कर सकते हैं। अभी हम डलहौजी में घूम रहे हैं और हमारे साथ कुछ टूरिस्ट आए हैं। आपका भी, आप कहाँ से आए हैं सभी? हम नागपुर से। अच्छा, आप सभी नागपुर से आए हैं और आप सभी को कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी अच्छी टूरिस्ट प्लेस है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो अभी हम सभी काफ़ी एक्साइटेड हैं और काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं इस हिल स्टेशन को देखते हुए। खजियार में आप देखेंगे तो आपको बादल काफ़ी करीब नज़र आएंगे, जस्ट पेड़ों के ऊपर बादल हैं बिकॉज ये जगह काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है। तो अभी हमने खजियार को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, खजियार का डिस्टेंस डलहौजी बस स्टैंड से लगभग 23 किलोमीटर्स का है। और अब खजियार के बाद हम चल रहे हैं पंचपुला वाटरफॉल की तरफ, जिसका डिस्टेंस डलहौजी बस स्टैंड से लगभग 4 किलोमीटर का है। यह है पंचपुला वाटरफॉल जाने का रास्ता, कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और साइड से भी आप देखेंगे तो यहाँ पानी बहता हुआ आ रहा है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत रास्ता है। तो डलहौजी के पंचपुला वाटरफॉल की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। बीच में कुछ इस तरह के कैफे एरिया भी आते हैं जहाँ पर आप बैठकर कुछ रिफ्रेशमेंट भी ले सकते हैं और बिल्कुल अच्छा खाना यहाँ पर अवेलेबल होता है। और ये जो रास्ता है यहाँ पर, इस तरह से बोर्ड आपको नज़र आएंगे वे टू वाटरफॉल करके,
इस तरह से ये सामने ही वाटरफॉल नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ट्रैक करके जस्ट वहाँ पर पहुँचना है। और पीछे की तरफ भी आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा, बहुत ही खूबसूरत सी वैली का व्यू है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं पंचपुला वाटरफॉल पे। यहाँ तक पहुंचने का जो रास्ता था वो भी बहुत खूबसूरत था, और ये जो वाटरफॉल है ये भी काफ़ी खूबसूरत है। अभी जो महीना चल रहा है वो है मई का महीना। अगर आप राजस्थान में बात करें मई के महीने में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी कि आप स्वेटर तो दूर टी शर्ट में रहना पसंद करते हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं स्वेटर हम लोगों ने पहने हुए हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है, मैं स्वेटर लाना भूल गया, अदरवाइज़ यहाँ पे एक्चुअल में ठंड फील होती है। और अभी तो जस्ट शाम का टाइम है, और कुछ टाइम बाद जैसे जैसे रात होती जाएगी यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा ठंडा होता जाएगा। पंचपुला वाटरफॉल साल भर में आप यहाँ पर कभी भी विजिट कर सकते हैं, आपको इसी तरह का वाटरफॉल नज़र आएगा, लेकिन मानसून के टाइम ये वाटरफॉल की जो धारा है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से व्यू दिखाना चाहूँगा पंचपुला वाटरफॉल से कि कितना लश ग्रीन माहौल है ये, जबकि गर्मियों का महीना है, लेकिन यहाँ पर आपको गर्मी नहीं, आपको ठंड महसूस होगी। और आप पीछे भी देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी वैली का जो नज़ारा है वो नज़र आएगा। और सबसे अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप पंचपुला वाटरफॉल के साथ आकर बहुत अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक करा सकते हैं, जो कि आपकी एक मेमोरी के लिए हमेशा यादगार रहेंगे। इस स्थान का नाम पंचपुला शायद इसलिए है क्योंकि यहां पर कुल मिलाकर 5 पुल हैं। इस तरह के जैसे आप ये पुल देख रहे हैं छोटे छोटे, इस तरह के 5 पुल हैं, इस वजह से इस स्थान का नाम है पंचपुला। पंचपुला में कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, वो क्या क्या हैं और उनके प्राइजेस क्या हैं, मैं थोड़ा सा जानने की कोशिश करता हूँ। सर नमस्ते। सर नमस्कार। सर यहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? सर हमारे पास यहाँ लगी हुई है जिप लाइन है, ब्रिजेज बने हुए हैं, रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, कैंपिंग है। और इनके प्राइजेस क्या है? जैसे प्राइजेस अलग अलग है, जिप लाइन है जैसे हाईएस्ट 1 किलोमीटर का जिप लाइन लगा हुआ हमारे पास टॉप पर, उसका जो एक्चुअल प्राइस है उसका 1000 है। 1000 जी। अच्छा, मिडिल में लगा हुआ जिप लाइन, ये आने जाने का है? ये आना जाना दो राउंड होता है, इसमें बड़ा वाला दोनों राउंड होगा उसमें, बड़ी वाली जिप लाइन में। ये बर्मा ब्रिज है, बर्मा ब्रिज से आप जाएंगे चलते हुए और जिप लाइन करते हुए रिटर्न आएंगे, ये 500 है भैया। मतलब यहाँ से तो इस ब्रिज से जाना, इसमें भी दो एक्टिविटी होंगी आपकी, जैसे आपका एक ब्रिज होगा और एक जिप लाइन होगा। ब्रिज से यहाँ ऊपर चलते हुए? हाँ, ब्रिज के ऊपर से चलते हुए जाना, आपने हिलता शेक करता जंप करेगा ऊपर नीचे जैसे आप चलेंगे, और ऊपर से आप जिप लाइन करते हुए रिटर्न आएंगे। इंडिविजुअल अगर जैसे ग्रुप हो तो ग्रुप में डिस्काउंट भी हो जाता है, डिस्काउंट हो जाता है, ग्रुप हो ज्यादा उसके लिए डिस्काउंट भी हो जाता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। यहाँ पर बड़े बड़े देवदार के पेड़ हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और काफ़ी फॉगी एरिया है ये, आपको पूरे एरिया में धुंध ही धुंध नज़र आएगी। और वाकई में ये धुंध नहीं, ये हैं क्लाउड्स यानी कि बादल। जब आप इसको नीचे से देखेंगे तो बिल्कुल आपको बादल ही नज़र आएंगे। और अभी हम बादलों के अंदर चल रहे हैं। और डलहौजी के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर मौसम कभी भी बदल सकता है। आपको थोड़ी देर पहले लगेगा कि धूप आ रही है, बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन कुछ ही देर बाद आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से बारिश आ गई है और बहुत ज़्यादा ठंडा माहौल हो जाता है। तो इस तरह का जो माहौल है डलहौजी में आप देखेंगे। और अभी जिस माहौल में हम खड़े हैं बड़ा ही खूबसूरत है। लोग बोलते हैं कि बादल कहाँ पर होते हैं, हम अभी बादलों में खड़े हैं, जहाँ से आप ये देख पाएंगे ये जो धुंध है ये धुंध नहीं बादल हैं। अभी बादलों के साथ हम खड़े होकर डलहौजी को इंजॉय कर रहे हैं। अगर आप काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक जाना चाहते हैं तो आप या तो पैदल मार्ग से जा सकते हैं ट्रैकिंग करते हुए, ये कुछ इस तरह का रास्ता है जो कि जाता है काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। लेकिन अगर आप ट्रैकिंग करते हुए नहीं जाना चाहते हैं तो आपकी इस तरह की आप गाड़ी बुक कर सकते हैं जिसका कॉस्ट लगता है 1000 से 1200 रुपये तक। लेकिन हमने जो पैकेज बुक किया है उसमें काला टॉप इंक्लूडेड है, जिसमें कैब चार्जेस भी इंक्लूडेड होते हैं, तो हमको इसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने होते।
तब हम मेन स्थान पर पहुंच चुके हैं काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, जहां पर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बने हुए हैं और ये है गेट जहां से हम अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। ये काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर बने रेस्ट हाउसेज हैं जहां तक आप आ सकते हैं और यहां पर स्टे भी कर सकते हैं। काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रेस्ट हाउसेज के पास आपको कुछ इस तरह की शॉप्स भी नज़र आ जाएंगी जो कि एक तरह से कैफेटेरिया है और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू भी नज़र आता है, लेकिन अभी फॉगी इलाका है तो इस वजह से ज़्यादा दूर तक का हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि आपको बहुत कुछ नज़र आएगा, लेकिन यहाँ से जो नेचुरल ब्यूटी है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका नज़ारा आपको बहुत पसंद आएगा। और यहाँ से जो ग्रीनरी नज़र आती है नीचे की, क्योंकि पूरा फॉरेस्ट के बीच में बना हुआ एक एरिया है, तो आप एक तरह से फॉरेस्ट को, पूरे जंगल को एक साथ एंजॉय कर सकते हैं काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद अब हम आ चुके हैं बीजीज पार्क, जहां पर कई सारे आर्मी के वेपन्स, टैंक्स और जेट विमान रखे हुए हैं। बीजीज पार्क के पास एक स्कूल है जो कि है DPS यानी कि डलहौजी पब्लिक स्कूल। इस स्कूल को भी गदर पॉइंट के नाम से जाना जाता है बिकॉज गदर मूवी के एक सीन की शूटिंग यहां पर भी हुई थी। तो आज है हमारा फोर्थ डे इस ट्रिप का और अब हम चल रहे हैं डलहौजी से धर्मशाला की ओर, और रास्ते में ही एक बहुत ही रोमांचक पॉइंट आता है जिसका नाम है चंबा वैली। इस वैली से होते हुए ही हम जाएंगे धर्मशाला की ओर और बीच में कई और भी पॉइंट्स आने वाले हैं जिन्हें भी हम साथ में देखेंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं चंबा वैली में और बीच में कुछ ऐसा नज़ारा नज़र आ रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं हम बादलों से भी ऊपर आ चुके हैं, बादल हमसे कई ज़्यादा नीचे रह चुके हैं, और दूर भी आप देखेंगे तो शायद आपको नज़र आए कि दूर जो पहाड़ हैं उन पे बर्फ़ जमी हुई है और नीचे जो ये वाइट वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं ये सभी बादल हैं। हम बादलों से भी ऊपर आ चुके हैं और ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आप पिक्चर्स ले सकते हैं और अपनी अगर इंस्टाग्राम रील्स बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। बहुत अच्छा पिक्चर पॉइंट है जो कि आप हमारे साथ देख सकते हैं। तो अब चंबा वैली के इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम बढ़ते जा रहे हैं जोत पास के लिए, और रास्ते में ही एक काफ़ी बड़ा वाटरफॉल नज़र आता है जो कि है चंबा वैली के जस्ट साइड में। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई से वाटरफॉल गिर रहा है, बहुत हाइट से गिरते हुए, और पानी का जो झरना है वो बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। और पीछे से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये रोड है जिससे हम आ रहे हैं और नीचे देखेंगे तो आपको क्लाउड्स ही क्लाउड्स नज़र आएंगे। हम बादलों के काफ़ी ऊपर चल रहे हैं और ये जो ट्रिप है वाकई में आपको ऐसा लगेगा कि धरती का जो स्वर्ग है वो यहीं पर है। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा लगेगा बादलों के ऊपर और झरनों के पास, एक तरह से हम कितना ब्यूटीफुल सीन में है वाकई में वर्णन करना इसका बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो सीन है बहुत ही खूबसूरत है। तो अब हम पहुंच चुके हैं जोत पास जो कि डलहौजी का सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है, और यहां से जो नज़ारा नज़र आता है वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। जोत पास का डिस्टेंस चंबा से लगभग 28 किलोमीटर का है और अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और जोत पास के पास ही एक बहुत ही खूबसूरत सा पॉइंट है जो कि गदर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो मूवी थी गदर मूवी, सनी देओल वाली, यहाँ पर कौन सा सीन शूट हुआ था ये मैम से जानते हैं थोड़ा सा? जब सकीना वहाँ से पाकिस्तान से आती है इंडिया की तरफ तो वो रात बीच में एक रात की मोहलत मांगती है और वो आके छुपती है, वो और सनी देओल दोनों, तो वो ये हट में ही उसकी शूटिंग हुई है। अच्छा, वो गहने वाला? हाँ, वो जो बोलती है कि एक जो बुढ़िया रहती है हट के अंदर, हट के अंदर रहती है, तो बुढ़िया कहती है कि एक रात का ही गहना लूंगी, तो फिर वो उस टाइम पे उससे वो जबरदस्ती गहने छीनती है, तो वो वाला सीन यहाँ पे शूट हुआ। ये वही हट्स है जहाँ पे वो शूट हुआ था।
जी, तो इसलिए इस पॉइंट का नाम गदर पॉइंट बोलते हैं। गदर पॉइंट बोलते हैं। और ये जो डलहौजी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जोधपास, जोधपास। तो यहाँ पे पूरा चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि बादल ही बादल है हर जगह यहाँ पे। हाँ, यहाँ से नीचे इस गदर पॉइंट से भी देखेंगे तो बादल ही बादल नजर आएंगे। और कुछ व्यू पॉइंट्स के लिए इस तरह से टापरियाँ बना दी गई हैं, एक तरह से हट टाइप की, जहाँ से अगर आप चाहें तो बैठकर भी इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज हमारा है फोर्थ डे इस ट्रिप का और अब हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला में। और धर्मशाला के अंदर भी स्पेशली बात करूं तो हम पहुंच गए हैं मैक्लोडगंज में और यहां हमें एक होटल अलॉट किया गया है जिसका जो रूम है मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये रूम काफ़ी लग्जीरियस है जो हमें अलॉट किया गया है। पिछले जो दो स्पॉट्स हमने देखे अमृतसर और डलहौजी, वहाँ के भी रूम काफ़ी लग्जीरियस थे और ये भी काफ़ी लग्जीरियस रूम है। तो अब हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला के एक बहुत ही फेमस स्पॉट पर जो कि है मैक्लोडगंज। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैक्लोडगंज और धर्मशाला अलग अलग हैं, लेकिन धर्मशाला का ही एक उपनगर है मैक्लोडगंज। धर्मशाला से अगर हम थोड़ा सा हाइट पर चलते हैं तो आता है मैक्लोडगंज। धर्मशाला से लगभग 10 किलोमीटर का अगर हम बाय रोड आएँ तो 10 किलोमीटर बाद आ जाता है मैक्लोडगंज जो कि एक उपनगर है। और मैक्लोडगंज में दो चीज़ें फेमस हैं। पहली चीज़ तो ये स्ट्रीट, ये जो चौराया आपको नज़र आ रहा है जिससे एक रास्ता यहाँ जाता है और दूसरा रास्ता यहाँ जाता है, इनको बोला जाता है तिब्बतियन मार्केट। यही है जो मेन चौराया, जो ये छोटा सा चौराया है, इसी ही बोला जाता है मैक्लोडगंज। और इस जगह की एक और चीज़ फेमस है वो है यहाँ का व्यू, यानी कि जो आपको यहाँ से पहाड़ों का व्यू नज़र आएगा, जो बर्फ़ वाला व्यू नज़र आएगा, जो ग्रीनरी और ग्रीन वाले पहाड़ और बर्फ़ वाले पहाड़ का जो एक साथ व्यू नज़र आता है वो ही बनाता है मैक्लोडगंज को इतना ज़्यादा फेमस। और ये जो स्ट्रीट्स हैं, ये तिब्बतियन मार्केट हैं, इसमें काफ़ी सारी दुकानें हैं, काफ़ी सारे शॉप्स हैं, जैसे कि यहाँ के मोमोज फेमस हैं। यहाँ पे अगर आप तिब्बतियन कल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं। मैक्लोडगंज मार्केट में ही एक बुद्धिज्म टेम्पल है जो कि अभी हमारे पीछे ही आपको नज़र आ रहा होगा, और बौद्धिज्म मॉनेस्ट्री की जो बेल्स हैं वो भी यहाँ पर लगी हुई हैं, जिन्हें आप टर्न करते हुए इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ये काफ़ी सारी बेल्स हैं, बिल्कुल स्ट्रीट के पास में ही हैं। ऊपर तक देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सा ये टेंपल है, जो बौद्धिज्म टेंपल काफ़ी ऊपर तक आपको नज़र आएगा। तो अभी हम हैं मैक्लोडगंज में जो कि धर्मशाला से थोड़ी हाइट पर बसा हुआ है, और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा नाइट व्यू धर्मशाला का। नीचे आप देख सकते हैं कई सारी लाइट्स जली हुई हैं एक साथ। ये पूरा का पूरा धर्मशाला शहर है जो कि अभी हम हाइट से देख पा रहे हैं। ये बहुत ऊंचाई पर है और जो नीचे वाला हिस्सा है वो है धर्मशाला का। ये नज़ारा कुछ ऐसा है जैसे कि हम आसमान में तारे देखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो हमारे सामने है वो है धर्मशाला। तो आज है हमारा इस ट्रिप का पांचवा दिन। हम हैं धर्मशाला के मैक्लोडगंज में और जिस होटल में हम रुके हुए हैं वहाँ की बालकनी से बहुत ही खूबसूरत सा व्यू नज़र आता है। मैं आपको थोड़ा सा लाइव दिखाना चाहूँगा। ये बालकनी है हमारे होटल रूम की और यहाँ से आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा मैस्मराइजिंग व्यू नज़र आता है। ऊपर की साइड आप देखेंगे तो आपको बर्फ़ वाले पहाड़ नज़र आएंगे और साथ में ही बादल नज़र आएंगे। नीचे पूरा ग्रीन आपको वैली नज़र आएगी। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है जो कि हमारी होटल की बालकनी से नज़र आता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं भागसुनाग वाटरफॉल और वाकई में यहाँ का जो नज़ारा है देखने लायक है। वाटरफॉल काफ़ी ज़्यादा हाइट से गिर रहा है, काफ़ी सारे सैलानी, काफ़ी सारे पर्यटक यहाँ पर जमा हो चुके हैं, सभी इंजॉय कर रहे हैं। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, काफ़ी सारे क्लाउड्स भी हैं आसपास, और यहाँ का जो मज़ा है वाकई में एक लाइव मेमोरी आपकी होने वाली है अगर आप यहाँ आते हैं। और यहाँ एक अच्छा पिक्चर पॉइंट भी बनता है, अगर आप कुछ फोटोज़ बनाते हैं, रील्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी प्लेस है। वाटरफॉल के पास कुछ शॉप्स भी हैं, अगर आप कुछ खाना पीना चाहें, रिफ्रेशमेंट करना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। और जो वाटरफॉल की जो हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा है, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से दिखाना चाहूँगा वाटरफॉल की जो धारा है
काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, और बारिश के मौसम में जब आप यहाँ आते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि वाटरफॉल काफ़ी अच्छा हो जाता है, और जैसे कि लोगों को आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ लेते हुए, पिक्चर्स लेते हुए, तो काफ़ी अच्छा लगता है इस स्पॉट पर आकर। और धर्मशाला अगर आप आते हैं तो इस स्पॉट पर ज़रूर आइए। तो अब अपनी ट्रिप में आगे बढ़ते हुए अब हम चलने वाले हैं चाय के बागानों की ओर, यानी कि धर्मशाला टी गार्डन्स की ओर। लेकिन इससे पहले मैं आपको दर्शन कराना चाहूँगा भागसुनाग टेंपल के, जो कि भागसुनाग वाटरफॉल जाने के मार्ग में ही पड़ता है। जब हम ट्रैकिंग शुरू करते हैं अपनी, 1 किलोमीटर का जो हमारा ट्रैक होता है, तो उससे पहले ही भागसुनाग टेंपल पड़ता है, जहाँ पर भी अगर आप चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला के टी गार्डन्स में, जिसका डिस्टेंस धर्मशाला बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर का है। और ये वो टी गार्डन है, जैसे कि हम जो चाय पीते हैं हमको ब्लैक कलर का जो पाउडर नज़र आता है, जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स नज़र आते हैं, वो चाय कुछ इस तरह से उगाई जाती है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, पूरा का पूरा जो बागान है ये टी है, चाय जो हम पीते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो कुछ इस तरह की हरी हरी नज़र आती है जब ये पत्तियाँ होती हैं। इसको सुखा करके चाय की पत्ती बनाई जाती है, और इसका जो ये खेती हो रही है काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे हो रही है, क्योंकि अभी हम लगभग 4,500 फीट की ऊंचाई पर हैं, और वहाँ जाकर इस तरह की खेती हो रही है। और हम यहाँ पर काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े ये जो मैदान है टी के, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, फ्रेंड्स के साथ आते हैं, या हनीमून कपल भी अगर आप हैं, तो ये एक बहुत अच्छी जगह हो जाती है टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ की नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है, और साथ ही अगर आप यहाँ पर पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं तो एक बहुत अच्छी मेमोरी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। टी गार्डन में कुछ इस तरह के रास्ते होते हैं, यानी कि आप देख रहे होंगे इस तरह से बीच बीच में गैप्स नज़र आ रहे हैं, उसमें इस तरह से रास्ते होते हैं ताकि आप अंदर चल सकें। यहाँ चलते चलते आप पूरे गार्डन में नीचे तक भी घूम सकते हैं अगर चाहें, और इन गार्डन के बीच में अगर आप जाते हैं इन रास्तों के बीच में, तो जो पिक्चर्स आते हैं वो बहुत ही खूबसूरत आते हैं। तो ये एक अच्छा एडवाइस है मेरी तरफ से कि आप बीच में आकर फ़ोटोज़ लेंगे तो बहुत अच्छे पिक्चर्स आएंगे। और पीछे भी आप देखेंगे तो इसी तरह के सीढ़ीदार खेत टाइप के बने हुए हैं, क्योंकि इनकी जो श्रृंखलाएँ लगाई गई हैं चाय के पौधों की, वो एक तरह से स्टेप बाई स्टेप मैनर में लगाई गई है। टी गार्डन की जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ पर एक फैक्ट्री आउटलेट भी है। अगर आप यहाँ से फ्रेश टी खरीदना चाहते हैं, चाय खरीदना चाहते हैं, या फिर उसे ट्राई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ट्राई भी कर सकते हैं और आप परचेज भी कर सकते हैं। और साथ ही एक कैफ़े भी खुला हुआ है, अगर आप कुछ खाना पीना भी चाहें टी गार्डन के साथ, तो यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं। टी गार्डन के बाहर कुछ इस तरह का एक पॉइंट भी है जहाँ लिखा हुआ है आई लव हिमालयन ब्रू, वहाँ पर भी आप पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं। तो अब हम मैकलॉडगंज से भी ऊपर एक गांव में हैं जिसका नाम है नड्डी। ये एक धर्मशाला का ही पार्ट है, लेकिन ये हाईएस्ट पॉइंट पर है, और यहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं यही वो नज़ारे हैं जो लोग दूर दूर से देखने आया करते हैं, जिसमें आपको पीछे पहाड़, झरने, बादल, और इससे बादलों के पीछे हैं बर्फीले पहाड़ जो कि अभी बादलों के पीछे ढक चुके हैं। ये सभी इतने ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे हैं कि दूर दूर से पर्यटक इन नज़ारों को देखने के लिए यहाँ आते हैं। ये जो वादियाँ हैं वाकई में मैजिकल हैं। अगर आप टेंशन में हैं, तनाव में हैं, या फिर अपने डेली रूटीन से बोर हो चुके हैं, तो ये जो वादियाँ हैं आपकी बहुत मदद कर सकती हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ आकर थोड़ी देर भी बैठते हैं तो आपको बिल्कुल असीम शांति का अनुभव यहाँ होगा। आप पूरी तरह स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, और आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके जो बादल हैं वो हमारे करीब आते जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मौसम बिल्कुल क्लियर था, लेकिन इन पहाड़ी इलाकों की खास बात कि मौसम हर कुछ मिनट के अंदर बदल जाता है। हर 5 मिनट में आपको मौसम बदला हुआ नज़र आएगा, और मौसम की खूबसूरती इतनी अच्छी होती है कि ये बादल, अभी जितना भी आपको ये नज़ारा दिख रहा है, अगर बादल ने यहाँ पर आना शुरू किया तो यहाँ सिर्फ वाइट कलर की चादर नज़र आएगी, और ये जितनी भी ग्रीनरी है वो सब बादलों के पीछे छिप जाएगी। अभी वैसे जो महीना है वो मई का महीना है, अगर राजस्थान के हिसाब से देखा जाए तो ये महीना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वहाँ पर लू चलती है, यानी कि गर्म हवाएँ चलती हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हमने जैकेट पहने हुए हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है।
तो अब हम एक ऐसे स्थान पर आ चुके हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और इसका नाम है रिवर साइड कैफे। और ये स्थान स्थित है मैकलॉडगंज से थोड़ा और ऊपर हम आते हैं तो एक नड्डी विलेज के आगे एक और आता है बल्ला विलेज, वहाँ पर हम आए हैं। और ये इस तरह से आप देख पाएंगे पानी फ्लो होता हुआ आ रहा है और पानी के बीच में इस तरह से चेयर्स लगाई गई हैं, यहाँ पास में भी देख सकते हैं, मतलब आप पानी में पैर डालकर इन चेयर्स के साथ बैठ सकते हैं, चाय, कॉफ़ी, मैगी या फिर मोमोज इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ शॉप्स वगैरह भी हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख पाएंगे कुछ इस तरह से वेंडर्स वाली शॉप्स हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ दूसरी साइड भी देखेंगे तो यहाँ पर एक और शॉप है और ये जो पानी है पूरा लगातार बहता हुआ जा रहा है, काफ़ी अच्छा फ्लो है। जब मॉनसून होता है तो इसका फ्लो काफ़ी बढ़ जाता है तो वो एक और अच्छा मौसम बन जाता है यहाँ पर विज़िट करने के लिए। लेकिन काफ़ी यूनिक जगह है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता इस जगह के बारे में, लेकिन आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। ये जो पानी अभी हम बहता हुआ देख रहे हैं ये नॉर्मल पानी नहीं है, ये है बर्फ़ का पानी जो कि ग्लेशियर के पिघलने से आ रहा है। यानी कि जो बर्फ़ के पहाड़ अभी हमने कुछ ही देर पहले देखे, जब बर्फ़ के पहाड़ों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है और जो पानी आता है बर्फ़ पिघलने के बाद वो कुछ इस तरह से बहता हुआ हमें रिवर के फॉर्म में नज़र आता है। और इसी वजह से जब हम इस पानी को हाथ लगाकर देखते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा प्रतीत होता है। अगला स्थान जो हम धर्मशाला में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है कांगड़ा का किला, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा किला है कांगड़ा फोर्ट, जो कि धर्मशाला से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप धर्मशाला बस स्टैंड से आते हैं तो 21 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। हम आपको अंदर से दिखाने वाले हैं इस फोर्ट को। वैसे ये फोर्ट काफ़ी बड़ा है, आप साइड से भी देख पाएंगे कि ये इसकी जो बाउंड्री है, इसकी जो बॉर्डर है, काफ़ी दूर तक नज़र आ रही है। तो अब यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं किले के अंदर प्रवेश करने के लिए और अब इस रास्ते से होकर हम आगे बढ़ते जाएंगे कांगड़ा फोर्ट में। और ये जो रास्ता है बड़ा ही खूबसूरत है, ऐसा रास्ता जैसे कि बिल्कुल नेचुरल वादियों से भरा हुआ है। आगे बढ़ते बढ़ते हम आ चुके हैं कांगड़ा फोर्ट के आहानी गेट पर। ये दूसरा द्वार है जो कि मुख्य द्वार के हैं कैटेगरी में हम कह सकते हैं। और आगे जब चलते जा रहे हैं तो आगे सीढ़ियां ही सीढ़ियां नज़र आ रही हैं। ये फोर्ट काफ़ी अच्छा है लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। छठे गेट से प्रवेश करते ही हम पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण में। पीछे कुछ मंदिर हुआ करते थे पहले, यहाँ लिखा भी हुआ है लक्ष्मी नारायण मंदिर और यहाँ आगे भी कुछ मंदिर का नाम लिखा हुआ है, अंबिका देवी टेंपल लिखा हुआ है। और मंदिर के चारों तरफ आप देखेंगे तो इस तरह से काफ़ी सारे रूम्स बनाए हुए हैं और ये रूम्स पुराने टाइम पर या तो सैनिकों के रहने के काम आया करते थे या जो पुजारी लोग हुआ करते थे उनके रहने के काम आया करते थे। मंदिर वाले कंपार्टमेंट से जैसे ही हम ऊपर आते हैं एक घास वाला मैदान मिलता है जो कि काफ़ी फ्लैट है। और यहाँ से जब आप नीचे देखेंगे तो बहुत खूबसूरत सा नज़ारा नज़र आएगा। दूर आपको रोड नज़र आएंगे और रोड जो चलते हुए हैं दूर आपको बिल्कुल ग्रासलैंड नज़र आएगा, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। इस पॉइंट पर अगर आप सेल्फीज़ लेना चाहते हैं, फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बहुत अच्छी जगह, लेकिन थोड़ा सा सेफ रह कर करिए क्योंकि नीचे खाई है। ये दूर तक जो हमको घाटी नज़र आ रही है ये है कांगड़ा घाटी और इसका व्यू वाकई में बहुत खूबसूरत है। अब हम पहुंच रहे हैं कांगड़ा घाटी के सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट पर क्योंकि ये एक स्पेशल एरिया बनाया गया है सिर्फ व्यू के लिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो चेयर्स लगाई गई हैं। अगर आप यहाँ पर फैमिली के साथ आते हैं, फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो यहाँ पर बैठकर इस व्यू का आनंद ले सकते हैं और अगर चाहें तो कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। कांगड़ा फोर्ट से कुछ इस तरह से बर्फ़ वाले पहाड़ भी नज़र आते हैं पर अक्सर ये बर्फ़ के पहाड़ बादलों के पीछे छिप जाते हैं, इस वजह से कई बार नज़र नहीं आ पाते, लेकिन कुछ इस तरह का नज़ारा है जो आप कांगड़ा फोर्ट से देख सकते हैं। कांगड़ा फोर्ट सुबह से शाम तक ओपन रहता है
और इसका एंट्री शुल्क है 25 रुपीज पर पर्सन का, यानी कि 25 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से इसका कॉस्ट लगता है। और कांगड़ा फोर्ट को घूमने में आपको लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। तो अभी आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि धर्मशाला में और भी कई सारे स्थान हैं जो कि अभी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन कांगड़ा फोर्ट के बाद अभी हम सबसे पहले चल रहे हैं एक जैन मंदिर में, जो कि ऐतिहासिक रूप से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और ये मंदिर जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी पर समर्पित है। तो अब हम पहुंच चुके हैं एक बहुत ही फेमस स्थान पे, जो कि है कांगड़ा देवी मंदिर। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है हिमाचल प्रदेश के, और इसका डिस्टेंस धर्मशाला से लगभग 20 किलोमीटर का है। और ये मंदिर इसलिए फेमस है क्योंकि ये 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। जो हमारे 51 शक्तिपीठ होते हैं माता सती के, वो उनमें से एक शक्तिपीठ है ये मंदिर, जो कि है कांगड़ा देवी मंदिर। और इस मंदिर को जो बनवाया था वो पांडवों ने बनवाया था महाभारत काल में, लेकिन 1905 के अंदर यानी कि 1905 में यहाँ एक भूकंप आया और भूकंप में ये मंदिर नष्ट हो गया। बाद में सरकार ने इसको मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया है। नैन तेरे माँ नैना देवी, चरण तेरे चिंतापूर्णी, धड़ तेरा माँ जिले कांगड़े, ज्योता जगदियाँ ज्वालामुखी। तो अब हम पहुँच चुके हैं धर्मशाला की दलाई लामा मॉनेस्ट्री के अंदर, जो कि आप अभी हमारे साथ देख पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह की बेल्स लगी हैं जिन्हें बोला जाता है बुद्धिज्म मॉनेस्ट्री की बेल्स, जो कि पूजा अर्चना करने के लिए उपयोग में ली जाती हैं। मॉनेस्ट्री के अंदर भगवान बुद्ध की काफ़ी बड़ी प्रतिमा है, जहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं। अब हम मॉनेस्ट्री के एक ऐसे भाग में आ चुके हैं जहाँ पर कई सारी ज्योतियाँ जली हुई हैं, कई सारे लैंप्स को लाइट किया गया है। अब हम मॉनेस्ट्री के एक ऐसे भाग में पहुँच चुके हैं जहाँ पर कई सारे बौद्ध भिक्षुक अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना किस तरह से की जाती है थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं। ये स्थान दलाई लामा का निवास स्थान है, इस वजह से धर्मशाला फेमस है, क्योंकि 1959 के टाइम पर दलाई लामा तिब्बत से यहाँ पर आए थे, यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। तो आज है हमारा 6ठा और आखिरी दिन इस ट्रिप का, और अब हम चल रहे हैं धर्मशाला की कुछ और एक्साइटिंग प्लेसेस को एक्सप्लोर करने। तो अब हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला के एक बहुत ही फेमस स्पॉट पर, जो कि है HPCA का स्टेडियम, यानी कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम है, जो कि बहुत ज़्यादा हाइट पर बना हुआ है। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन अगर हाईएस्ट पीक पॉइंट की बात करें क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर, तो वो है चहल का स्टेडियम। अगर इंटरनेशनल की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट है, और अगर हाईएस्ट पीक पे बात करें तो चहल का स्टेडियम जो कि शिमला के पास है वो सबसे हाईएस्ट पर क्रिकेट ग्राउंड है, लेकिन वो इंटरनेशनल स्टेडियम में काउंट नहीं होता। ये स्टेडियम काफ़ी फेमस है, कई सारे IPL मैचेस और जो क्रिकेट के मैचेस होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। HPCA का जो स्टेडियम है वो काफ़ी बड़ा है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। हम अंदर तो नहीं जा सकते बिकॉज अभी IPL की प्रिपरेशन के लिए इसे बंद कर दिया गया है नॉर्मल टूरिस्ट के लिए, लेकिन कभी अगर आपको यहाँ आना होता है और अगर आपको अंदर से स्टेडियम देखना है तो 30 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है। स्टेडियम की खास बात यह है कि स्टेडियम के चारों तरफ आपको बर्फीले पहाड़ नजर आएंगे, इस तरह से जो बर्फ वाले स्नो माउंटेन्स होते हैं वो नजर आएंगे, इससे आपको इसकी ऊंचाई का अनुमान लग जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला के वॉर मेमोरियल में। ये जो स्टेट वॉर म्यूजियम बनाया गया है ये उन सैनिकों की याद में बनाया गया है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और शहीद हो गए। यहाँ पर सभी वीर योद्धाओं के स्टैचूज और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है।
ये सभी उन वीर सैनिकों के पिक्चर्स हैं जो कि परमवीर चक्र से सम्मानित हुए हैं। ये कारगिल युद्ध के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, और जैसे कि अभी एक मूवी बनी थी शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर, तो उनकी डिस्क्रिप्शन, कारगिल युद्ध की डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला के एक बहुत ही फेमस स्पॉट पर, जो कि एक चर्च है। इस चर्च का नाम है सेंट जॉन्स चर्च ऑफ वाइल्डरनेस, जो कि अभी आपको हमारे पीछे ही नज़र आ रहा होगा। ये एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर आप आ सकते हैं धर्मशाला के दौरान, बिकॉज़ ये जो चर्च बनाया गया था ये 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। 1852 को इसका बिल्डअप हुआ था। यहाँ पर एक पीछे की तरफ एक स्मारक बनाया गया है जेम्स ब्रूस की याद में, और ये कुछ इस तरह का नज़र आता है। चर्च जाते वक्त रास्ते में एक बीच में आता है इको पार्क, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है। इस तरह से आप डिज़ाइंस भी देख सकते हैं इसके मेन गेट पे, कुछ एडवेंचर टास्क भी आप अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे अभी तो ये फ़िलहाल बंद है, लेकिन पार्क काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत सा है, जो भी आप धर्मशाला के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। नड्डी से कुछ ही दूर एक लेक है जिसका नाम है डल लेक। अगर इसके एक्चुअल डिस्टेंस की बात करें तो धर्मशाला बस स्टैंड से इसका डिस्टेंस लगभग 9 किलोमीटर का, लेकिन अगर आप नड्डी आते हैं तो नड्डी के पास ही लेक पड़ता है, और कपल्स के लिए अच्छी जगह है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। जैसे कि हमने पहले जाना कि धर्मशाला और मैक्लॉडगंज अलग अलग नहीं है, धर्मशाला का ही एक उपनगर है मैक्लॉडगंज, लेकिन इन दोनों स्थानों के बीच में लगभग 10 किलोमीटर का डिफरेंस है अगर हम बाय रोड यहाँ तक पहुँचते हैं। और ये बाय रोड रास्ता तो एक है ही सही ऑप्शन, लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन है जिससे आप धर्मशाला से मैक्लॉडगंज पहुँच सकते हैं, जो कि है रोप वे का, जैसे लोकल लैंग्वेज में उड़न खटोला भी कहा जाता है। इस रोप वे का चार्ज लगता है लगभग 350 से 400 रुपये पर व्यक्ति का, अगर आप वन साइड ट्रैवल करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको धर्मशाला से मैक्लॉडगंज जाना है या मैक्लॉडगंज से धर्मशाला आना है, तो आपको चार्ज देना होगा लगभग 400 रुपीज़। लेकिन अगर आप डबल साइड का रोप वे करते हैं कि आना जाना दोनों अगर उसमें करना चाहते हैं, तो उसका चार्ज लगता है लगभग 700 रुपीज़ पर पर्सन का। तो ये भी एक ऑप्शन है जिससे आप धर्मशाला से मैक्लॉडगंज पहुँच सकते हैं। तो आज है हमारा छठा दिन इस ट्रिप का। इस ट्रिप के दौरान हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए, और ये इस वजह से संभव हो पाया क्योंकि हमने ट्रैवल पैकेज बुक किया था, और इसकी वजह से हमें कोई भी अरेंजमेंट स्वयं नहीं करने पड़े। और ये जो पैकेज बुक किया था वो प्रिया ट्रैवल्स के साथ किया था, जो कि 8 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। इनको इस एरिया का बहुत अच्छा अनुभव है, और उस अनुभव का फ़ायदा हमें मिला हमारे इस ट्रिप को एन्जॉयबल और एडवेंचरस बनाने के लिए। और अब मैं आपको मिलाना चाहूँगा प्रिया ट्रैवल्स के ओनर्स के साथ, जो कि अभी हमारे साथ में ही हैं। इनका जो एक्सपीरियंस है, जो हमको काम आया इस ट्रिप के दौरान, वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि हमने इनके साथ दूसरी ये ट्रिप है हमारी। इससे पहले हमने कुल्लू मनाली कसौल की ट्रिप करी थी, उसका भी अगर आप वीडियो चाहें तो ऊपर लिंक में, ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा ट्रिप था अमृतसर डलहौजी धर्मशाला का, और ये भी बहुत अच्छा रहा। अभी हमारे साथ प्रिया ट्रैवल के ओनर्स ही हैं, खदीजा मैम और विशु सर हैं हमारे साथ, और इनका जो एक्सपीरियंस है हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा इस ट्रिप के दौरान। हमारा जो ये ट्रिप का कॉस्ट पड़ा था, ये जो हमने ट्रैवल पैकेज बुक किया था, इसका कॉस्ट था 12,500 रुपये पर पर्सन का। ये जो कॉस्ट था ये पीक सीज़न का रेट है, ये रेट्स आपके लिए कम भी हो सकते हैं। अब ये कैसे हो सकते हैं, चलिए जानते हैं मैम से। ये जो हमने आपको पैकेज दिया था ये था 12,500 पर पर्सन का, ये रेट वैलिड है फॉर मिनिमम 4 पर्सन, 4 लोगों के लिए अगर आप साथ में आते हैं तो, और ये वैलिड रहेगा जून तक का, क्योंकि अभी वेकेशन पीरियड है तो रेट्स थोड़ा हाई है, इसलिए अप्रैल से जून तक ये 12,500 पर पर्सन रहेगा, और इसके बाद जुलाई से रेट्स चेंज हो रहे हैं, रेट्स कम हो जाएंगे, जो होगा 10,500 पर पर्सन का मिनिमम 4 पर्सन के लिए। इसमें भी ये रेट होगा आपका जुलाई से लेके मार्च तक रहेगा, ये सिर्फ बीच का जो आपका दिसंबर के डेट्स होती हैं, जो है 25 दिसंबर से आपका ब्लैकआउट डेट्स क्रिसमस और न्यू ईयर का, वो छोड़ के थ्रू आउट द ईयर आपको सेम रेट में रहेगा 10,500 पर पर्सन फॉर मिनिमम 4 पर्सन के लिए, 4 लोगों के लिए। और ये रेट और भी कम हो जाएगा अगर आप ग्रुप में
आते हैं, 20 लोग या 20 से ज़्यादा का अगर आपका ग्रुप है तो ये और भी किफ़ायती दाम में आपको हो जाएगा। मतलब जितने ज़्यादा लोग आएंगे या अगर सीजन टाइम ऑफ सीजन चल रहा है तो रेट्स काफ़ी कम हो जाएंगे और भी किफ़ायती दाम में आपको हो जाएगा ये जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इनके साथ ये पैकेज भी बुक कर सकते हैं। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अगर आप चाहें तो इनके साथ कॉन्टैक्ट करके ट्रैवल पैकेज बुक कर सकते हैं। प्रिया ट्रैवल्स के साथ ये हमारा दूसरा एक्सपीरियंस था, हमने इससे पहले भी प्रिया ट्रैवल्स के साथ ट्रैवल पैकेज बुक किया है जो कि था कुल्लू मनाली कसौल का। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा और उसी एक्सपीरियंस को देखकर हमने इस बार दूसरी बार ट्रैवल पैकेज बुक किया था और ये भी एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहा। लेकिन प्रिया ट्रैवल्स और भी सारे पैकेजेस अलॉट कराती हैं, यानी कि उनसे आप और भी जगहों के पैकेजेस ले सकते हैं। वो पैकेजेस क्या हैं चलिए जानते हैं विशु सर से। जी हाँ, और भी हमारे कई पैकेज हैं जैसे कि शिमला, कुफरी, कुल्लू मनाली और कसौल है, कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान है, गोवा है, ये सारे पैकेज हम करते हैं। और सर अभी रिसेंट में देखें तो सबसे किफ़ायती पैकेज और सबसे बेस्ट बेनिफिट वाला पैकेज कौन सा रहेगा आपका? वो पैकेज है सर हमारा एक शिमला, कुफरी, कुल्लू मनाली का, जो चंडीगढ़ से स्टार्ट होता है या फिर पठानकोट से। वो 5 रातें 6 दिन का पैकेज है, उसमें ब्रेकफास्ट और डिनर भी है, साथ में होटल स्टे भी रहेगा और वो पैकेज पड़ेगा 8,500 पर पर्सन। आप इसमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सारी चीज़, ट्रांसपोर्टेशन सारा कुछ इंक्लूड है इसमें, ब्रेकफास्ट वगैरह डिनर सारा कुछ इंक्लूड है। मतलब कुछ भी एडिशनल कॉस्ट नहीं है, मतलब सब कुछ पूरा ट्रिप का कॉस्ट, पूरा ट्रिप का कॉस्ट है। उसमें मिनिमम 4 लोग होने चाहिए। जी जी, बाकी उसमें हमारा जो पठानकोट से स्टार्ट होगा या फिर चंडीगढ़ से है वहीं से कैब पिक करेगी, वहीं छोड़ेगी, जितना भी वो साइट सीन है। मतलब 8,500 में 6 दिन इस पहाड़ी इलाके में रहना बहुत बड़ी बात होती है और मेरे हिसाब से ये काफ़ी किफ़ायती पैकेज है जो कि आपको कुल्लू मनाली कुफरी जैसा कि सर ने बताया ये घूमने के लिए बहुत बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप खुद से आते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा और ट्रैवल पैकेज लेते हैं तो बेनिफिट भी होगा और आपको सुविधाएं भी सारी मिलेगी। तो अब हमारे 6 दिन के ट्रिप का समापन हो चुका है, अब हमें चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन छोड़ दिया जाएगा जहां से ट्रेन पकड़कर हम अपने घर जा सकते हैं। तो ये थी हमारी ट्रिप अमृतसर डलहौजी धर्मशाला की। हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।